नागरिकता संशोधन बिल पर लोकसभा में गैर एनडीए पार्टियों में बीजू जनता दल वाईएसआर कांग्रेस समेत शिवसेना ने बिल के पक्ष में मतदान किया। वहीं अब शिवसेना के कदम से कांग्रेस प्रमुख सोनिया गांधी ने नाराजगी जताया है। उन्होंने गठबंधन से बाहर आने की चेतावनी तक दे डाली। आपको बता दें कि 10 से 15 दिनों पहले ही शिवसेना ने कांग्रेस और एनसीपी संग गठजोड़ कर महाराष्ट्र में सरकार बनाया है। उद्धव ठाकरे जिसके मुख्यमंत्री हैं। आपको बता दें कि लोकसभा में नागरिकता संशोधन बिल के खिलाफ 80 वोट पड़े, वहीं इसके पक्ष में 311 वोट डाले गए। वहीं इसके बाद बुधवार यानी आज राज्यसभा में यह बिल पेश किया जाना है। हालांकि शिवसेना ने राज्यसभा में समर्थन करने से पहले इस बिल के संबंध कुछ सवालों के जवाब मांगे हैं। वहीं लोकसभा में शिवसेना द्वारा बिल के पक्ष में मतदान करने पर कांग्रेस का कहना है कि कुछ मंत्रालय हमारे लिए अहमियत नहीं रखता। सूत्रों की माने तो आज रात तक महाराष्ट्र के 6 मंत्रियों के विभागों का ऐलान किया जा सकता है। कांग्रेस की नाराजगी के बाद शिवसेना नेता संजय राउत का बयान आया है। उन्होंने अपने बयान में कहा कि लोकसभा में जो हुआ वह भूल जाइए, वहीं अब देखना यह है कि राज्यसभा में शिवसेना क्या करती है। राज्यसभा में शिवसेना के रुख पर नजर रहेगी। आपको बता दें कि उद्धव ठाकरे ने नागरिकता संशोधन बिल पर अपना रुख बदला है। मीडिया से बात करते हुए ठाकरे ने कहा, जब तक चीजें स्पष्ट नहीं हो जाती हम बिल का समर्थन नहीं करेंगे। अगर कोई भी नागरिक इस बिल की वजह से डरा हुआ है तो उनके शक दूर होने चाहिए, वे भी हमारे नागरिक हैं, इसलिए उनके सवालों के जवाब भी दिए जाने चाहिए। आपको बता दें कि लोकसभा में बिल का समर्थन करने से पहले उन्होंने इसका विरोध किया था, लेकिन जब इसे सदन में पेश किया गया तो शिवसेना के सांसदों ने इस बिल का समर्थन किया। वहीं जब इस मामले में शिवसेना नेता अरविंद सावंत से पूछा गया कि शिवसेना राज्यसभा में बिल का समर्थन करेगी, तो उन्होंने सवाल पूछने के अंदाज में जवाब दिया, अलग अलग भूमिका होती है क्या हमारी? राष्ट्रहित की भूमिका लेकर शिवसेना खड़ी रहती है, इस पर किसी का एक अधिकार नहीं है। वहीं एनडीटीवी से बातचीत के दौरान साफ कर दिया कि हमारे बीच कॉमन मिनिमम प्रोग्राम महाराष्ट्र के लिए है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में शिवसेना कांग्रेस और एनसीपी की गठबंधन की सरकार है। ऐसे में शिवसेना द्वारा कांग्रेस के विरोध में लिया गया एक भी कदम महाराष्ट्र में उनकी सरकार को बुरा प्रभावित कर सकता है। नमस्कार, नेशनल दस्तक अपनी आर्थिक जरूरतों के लिए हमेशा से यूट्यूब एड्स पर निर्भर रहा है। हमारी काफी वीडियोस को यूट्यूब की तरफ से डीमोनेटाइज कर दिया जाता है, जिसके चलते हमें एड्स नहीं मिल पाती। इसकी वजह से हमें आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। हमें आपके साथ की सबसे ज्यादा जरूरत अब है। पैट्रियन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस पर हम और आप बिना रुकावट जुड़ सकते हैं। इस प्लेटफॉर्म पर आप हमें सीधा फंड कर सकते हैं, जिसका मतलब हुआ कि हम आजादी से पत्रकारिता कर पाएंगे। आपसे सीधे फंडिंग पाने का यह भी मतलब हुआ कि हम नैतिक रूप से आपके अधीन हो जाएंगे और आपकी आवाज को और बुलंद कर पाएंगे। आप पैट्रियन पर मात्र $2 करीब 140 रुपए प्रति माह से हमारी सहायता कर सकते हैं। पैट्रियन क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड दोनों ही सपोर्ट करता है। हाँ, जरूरी यह है कि पैट्रियन के लिए आपके कार्ड पर इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन अलाउड होने चाहिए। अगर आपके कार्ड पर इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन चालू नहीं है तो आप अपने बैंक से संपर्क करके इसको आसानी से चालू करवा सकते हैं। पैट्रियन पेज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। नेशनल दस्तक को देखने वालों से अपील है कि वह नेशनल दस्तक के सपोर्टर फॉर्म को भरें, ताकि हम सीधे आपसे जुड़ सके। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।